हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम डिस्कस करेंगे वोकैबुलरी के कुछ वर्ड्स। ओके, एक्चुअली जो इंग्लिश वोकैबुलरी है इट इज़ अ वास्ट ओशियन, इट कैन नॉट बी लिमिटाइज्ड। तो हम क्या करेंगे, हम उस वास्ट ओशियन के कुछ कुछ ड्रॉप्स को कलेक्ट करके हमारा वोकैबुलरी पार्ट कंप्लीट करेंगे, स्ट्रॉन्ग करेंगे। ओके, सो जस्ट चेक देम आउट। द फर्स्ट वन, टेकन अबैक। टेकन अबैक आप लोगों ने रीड किया होगा, ये फ्रेजल में बहुत बार यूज़ होता है। और टेकन अबैक का मतलब होता है कुछ अनएक्सपेक्टेड या अनप्लीजेंट होने की वजह से जब आप शॉक्ड होते हैं, तो देयर यू कैन यूज़ द वर्ड आई वॉज टेकन अबैक हियरिंग हिज वॉइस। ओके, तो टेकन अबैक मतलब क्या होता है, गेटिंग शॉक्ड बिकॉज ऑफ सम अनएक्सपेक्टेड इवेंट, जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया ऐसा कुछ हो जाता है, द शॉक रिएक्शन। द नेक्स्ट वन, अक्लेम। अक्लेम मतलब होता है प्रेज्ड बाय पब्लिक। जब आप कोई राइटअप लिखते हैं, कोई बुक लॉन्च होती है, कोई स्क्रिप्ट होती है और समथिंग लाइक दैट, व्हेन इट इज़ प्रेज्ड बाय, व्हेन इट इज़ अप्रिशिएटेड बाय पब्लिक, देन यू कैन से इट हैज़ बीन अक्लेम्ड बाय द पीपल। अक्लेम मीन्स प्रेज्ड बाय पब्लिक। द नेक्स्ट वन, आफ्टर मैथ। आफ्टर मैथ क्या होता है, व्हेन यू रीड वॉर स्टोरीज, जब आप वॉर स्टोरीज रीड करते हैं तो ये एक जो वर्ड होता है ये बहुत ही कॉमन वर्ड होता है। आफ्टर मैथ का मतलब होता है द रिजल्ट ऑफ सम बैड इवेंट, जैसे तूफान आके गया, अर्थक्वेक आया या कोई वॉर हुआ, तो वो जब बैड इवेंट ख़त्म हो जाता है और उसके बाद के जो कॉन्सिक्वेंसेस रिजल्ट हमें दिखते हैं, दोस रिजल्ट आर टर्म्ड एज आफ्टर मैथ। ओके, नेक्स्ट वन इज एडिक्वेट। एडिक्वेट का मतलब होता है इनफ और सफिशियंट, हिंदी में हम इसे बोलते हैं पर्याप्त। नाउ वन मोर थिंग इज देयर कि जब आप किसी सिंगुलर ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर आप यूज़ करेंगे एडिक्वेट, मतलब एडिक्वेट का यूज़ सिंगुलर के सिंगुलर नाउन के साथ में हो सकता है, बट इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट प्लूरल्स तो प्लूरल्स के लिए आपको इनफ या सफिशिएंट वर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। ओके, तो एडिक्वेट, एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त। नेक्स्ट वन इज एबेंडन। एबेंडन मतलब किसी चीज़ को छोड़ देना, किसी चीज़ को त्याग देना, और इसका एक मतलब और होता है लाइक कहीं पे कोई एक अच्छा खासा लोकेशन था, लोकेलिटी थी, इस्टेब्लिशमेंट था और उसे अचानक से खाली कर दिया जाता है, द डेजर्टेड एरिया। डेजर्टेड एरिया मतलब जो जगह पूरी खाली हो चुकी है, जहाँ पर अब कुछ भी नहीं है जो कि पहले हुआ करता था। तो वॉट इज़ एबेंडन, एबेंडन मीन्स द डेजर्टेड पार्ट, डेजर्टिंग समथिंग और लीविंग समथिंग, कोई चीज़ छोड़ देना। देन द नेक्स्ट वन इज अक्यूमुलेटेड। अक्यूमुलेटेड का मतलब होता है जमा किया हुआ, जब आपने एक ह्यूज अमाउंट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आप इकट्ठा कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं और थोड़ा थोड़ा करके आपने इकट्ठा किया एंड नाउ यू हैव अ ह्यूज अमाउंट, तो दैट विल बी टर्म्ड एज अक्यूमुलेटेड। ओके, सो व्हाट डज अक्यूमुलेटेड मीन्स, हिंदी में इसे बोलते हैं संचित करना। संचित करना मतलब इकट्ठा करना, लंबे समय तक आप चीज़ों को इकट्ठा कर रहे हैं और जो फाइनली आपके पास एक ह्यूज अमाउंट होता है दैट इज़ अक्यूमुलेटेड अमाउंट। एंड द लास्ट वन फॉर द डे, अल्मा मैटर। अल्मा मैटर आप लोगों ने सुना होगा, एल्यूमिनी मीट आपने सुना होगा, तो अल्मा मैटर क्या होता है, अल्मा मैटर होता है ऐसी जगह, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और एनी ऑफ द कैंपस जहाँ आप पढ़ने गए हों कभी। व्हाट इट इज़, इट इज़ स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी जहाँ कोई भी पर्सन कभी पढ़ने गया है, एंड दैट प्लेस, दैट पर्टिकुलर प्लेस विल बी टर्म्ड एज अल्मा मैटर, एंड द पर्सन बिलोंगिंग टू दैट पर्टिकुलर प्लेस इज टर्म्ड एज एल्यूमनी। ओके, so these were few drops of the ocean, just try to use them in the language, vocabulary yaad karne se improve nahi hogi, vocabulary will be improved jab aap ise apni language mein use karenge aur kahin bhi aap ise read karte hain to aap iska matlab samjhenge tab aapke vocabulary enhance hogi। I will be up with more idioms, proverbs, vocabulary and many more english collection, just keep watching।
एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एस्केप द ऑर्डिनरी. टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. बाय बाय.